आईपीएल का दूसरा फेज 19 सितंबर से शुरू होने वाला है। उससे पहले ही अगले साल होने वाले आईपीएल की तैयारी भी शुरू हो गई है। कमाल की बात, अगले साल दो नई टीमें आईपीएल खेलेंगी, मतलब 8 की बजाय 10 टीमों में आईपीएल होगा। सबसे बड़ी बात, जो दो नई टीमें आने वाली हैं उसमें लखनऊ की टीम खरीदे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अभी तक यह सवाल उठ रहा था कि आईपीएल की दो नई टीमें कौन सी होंगी, कई शहर इस दौड़ में आगे माने जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि शहर की दौड़ में अहमदाबाद, लखनऊ, कटक और गुवाहाटी की टीमें शामिल हैं। ये ऐसे शहर हैं जिनके नाम पर बोलियां लग सकती हैं। वहीं कोची शहर भी बड़े दावेदारों में से एक है। सबसे ज़्यादा संभावना अहमदाबाद और लखनऊ की मानी जा रही है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि RPSG ग्रुप के संजीव गोयनका लखनऊ की टीम खरीद सकते हैं। गोयनका ने टीमों की नीलामी के लिए ITT डॉक्यूमेंट भी खरीद लिए हैं और संभावना जताई जा रही है कि वह लखनऊ की टीम खरीदने के इच्छुक हैं। बता दें कि संजीव गोयनका ने ही साल 2016 और 17 में पुणे की टीम खरीदी थी। हालांकि और भी कई बिजनेस ग्रुप हैं जो नई टीमों को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि संजीव गोयनका के RPSG ग्रुप की कुल आय 27,000 करोड़ के आसपास मानी जाती है। यहां बता दें कि हाल ही में BCCI ने दो नई टीमों के लिए बोली आमंत्रित की है। इसमें से एक टीम के लिए बेस प्राइस 2,000 करोड़ रुपए रखा गया है। हालांकि ये माना जा रहा है कि दोनों टीमों की कुल कीमत 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर जा सकती है, यानी दो नई टीमें बेचकर BCCI 5,000 करोड़ रुपए कमा सकता है। BCCI ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 3,000 करोड़ रुपए सालाने से कम की आय वाली कंपनियां बोली नहीं लगा सकती हैं। यहां यह भी बता दें कि दो नई टीमों के लिए BCCI ने जो टेंडर निकाले हैं उन्हें भरने की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर तय की गई है। बोली के दस्तावेज 75 करोड़ रुपए में खरीदे जा सकते हैं। इसके बाद BCCI इसे रद्द भी कर सकती है। BCCI के मुताबिक बोली जमा करने की इच्छुक किसी भी टीम को इन्विटेशन टू टेंडर यानी ITT खरीदना जरूरी होगा। हालांकि इससे पहले भी राइजिंग पुणे ज्वाइंट्स और गुजरात लॉयंस की टीम IPL में शामिल की गई थी। तब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल को स्पॉट फिक्सिंग के कारण 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। अब देखना है कि लखनऊ इस दौड़ में कहां तक आगे जा पाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप किन किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम आपकी पसंद के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन भी दबा दें जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।